उच्चतम न्यायालय ने कहा सीबीआई जांच रिपोर्ट की पहली नजर में कोयला खानों के आवंटन में गड़बड़ियों की बातें आई सामने। सीबीआई को इस बारे में सरकार के साथ जांच रिपोर्ट साझा न करने के दिए निर्देश। सरकार से आवंटन मामले में बरते गए दिशा निर्देशों के बारे में एक और हलफनामा दायर करने को कहा। भाजपा ने राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई जमीन में अनियमितताएं बरतने का लगाया आरोप। कहा सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए कम कीमत पर दी गई जमीन को बेचा जा रहा है महंगी कीमतों पर। दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित। इटली सरकार द्वारा हत्या के आरोपों का सामना कर रहे दो इटालियन मरीन्स को भारत न भेजने के फैसले पर प्रधानमंत्री सख्त। सांसदों को दिया भरोसा, इस मुद्दे को विदेश और कानून मंत्रालय मिलकर इटली सरकार के सामने उठाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक कानूनों में संशोधन संबंधी विधेयक पर कोई सहमति न बनने के कारण इसे फिर से विचार के लिए मंत्रियों के समूह को सौंपा गया। भाजपा ने कहा कि आपराधिक कानूनों में संशोधन संबंधी विधेयक को जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। पार्टी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस विधेयक पर कैबिनेट में मोहर लगनी चाहिए और उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि महिला सुरक्षा विधेयक पर संसद में चर्चा होने पर ही सभी पार्टियों का मत आएगा सामने। दिल्ली पुलिस का हाईकोर्ट में कबूलनामा। कांस्टेबल सुभाष तोमर की हत्या के मामले में जिन 8 लोगों पर दर्ज किया गया था मुकदमा, उनका हत्या में कोई हाथ नहीं। यमुना बचाओ यात्रियों का जत्था दिल्ली पहुंचा। सरकार ने यमुना नदी के समानांतर 22 किलोमीटर लंबा नाला बनाने की उनकी मांग मानी, लेकिन प्रदर्शनकारी हथनीकुंड से जल्दी और पानी छोड़ने की मांग पर अड़े। दिल्ली गैंगरेप मामले के आरोपी मृतक राम सिंह का राजधानी के एम्स में किया गया पोस्टमार्टम। कल राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। भारत ने मॉरिशस के साथ स्वास्थ्य, मेडिसिन और पर्यटन के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मॉरिशस दिवस के मौके पर आज होंगे मुख्य अतिथि। पंजाब में पिछले दिनों पकड़ी गई करीब 130 करोड़ रुपए मूल्य की 26 किलो हेरोइन के सिलसिले में आज ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र ने हरियाणा पुलिस को खून का नमूना दिया। हरियाणा पुलिस अब इस नमूने को पंजाब पुलिस को सौंपेगी ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने कल से संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया ने इस कदम की आलोचना करते हुए दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर परमाणु हमला करने की दी धमकी। उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के साथ अपना हॉटलाइन संपर्क भी किया खत्म। सीरिया सेना के युद्धक विमानों ने विद्रोहियों के हमले के बाद कल होम्स के बाबा अम्र में की भारी बमबारी। सुन्नी मुस्लिम और अल्पसंख्यक अलवायत समुदाय का यह शहर पिछले 2 साल से बना हुआ है लड़ाई का केंद्र। बाबा अम्र पर आंशिक रूप से विद्रोहियों का है कब्जा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगाह किया कि अगर वह ईरान के साथ 7.5 अरब डॉलर की लागत वाली गैस पाइपलाइन के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता है तो उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। हालांकि पाइपलाइन परियोजना के किस्से का कल उद्घाटन भी कर दिया गया। इराक के उत्तरी इलाके में कल एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से लदी कार लेकर एक थाने में घुस गया। इस बम धमाके में 5 लोग मारे गए। वहीं देश के दूसरे इलाकों में हुए हमलों में 7 और लोगों की हुई मौत। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 19,565 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 28 अंकों की कमी, 5,914 पर हुआ बंद।